नमस्ते बच्चों, स्वस्ति शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। कक्षा है एक और विषय हमारा हिंदी है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पार्ट नंबर 9 में मूलाक्षरों में क्रमश गायब और लिखिए, यानी कि यहाँ पे जो क्रम अक्षर है वो क्या हो गया है, गायब है, तो वो अक्षर आपको लिखना है। मूलाक्षर जो हमारे यहाँ पे क्या है, ये मूलाक्षर है। र के बाद क्या आता है बच्चों, क्या आता है, चलिए आपको लिखना है। यहाँ पे जो गायब अक्षर है वो लिखना है। र के बाद क्या आएगा, र के बाद क्या आएगा, फिर ल, क्या आएगा, ल से लड्डू, लट्टू। फिर व, फिर व के बाद क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, श, क्या आएगा, श, फिर श, फिर स आएगा, फिर ह, फिर आएगा श, इस तरह से आपको यहाँ पे। और त्र के बाद आएगा, क्या आएगा, ज्ञ, इस तरह से आपको वहाँ पे लिखना है। मूलाक्षरों में रंग भरिए, तो यहाँ पे आपको रंग भरने हैं। ये क्या है आपका होमवर्क है, क्या है बच्चों, होमवर्क है, जो आपको घर पे जो मनचाहे आपके रंग हो, जो आपको पसंद हो, वो आप एक एक करके इसमें भर सकते हो। लेकिन कैसे, र ऐसे बोल के रंग भरने हैं। ल, र से क्या होता है, रथ, ल से लट्टू, व से क्या होगा, वर्दी, श से शहनाई, श से षटकोण, स से सदरी यानी सफेदा भी होता है, ह से हथेली, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी। इस तरह से बोलते हुए आपको क्या करना है, उसमें रंग भरने हैं। आगे है निम्न मूलाक्षर लिखिए और पढ़िए, तो आपको यहाँ पे मूलाक्षर दिए हैं बच्चों, जो क्या करने हैं आपको, नीचे जो बॉक्स दिया है वहाँ पे आपको लिखने हैं, कैसे पढ़कर। क, क से कमल, ख से खरगोश, इस तरह से आपको पढ़कर लिखने हैं। ग से गधा, घ से घर, च से चम्मच, छ से छाता या छतरी, ज से जग, झ से झरना या झोपड़ी, ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढकना, इस तरह से आपको पढ़कर लिखने हैं। फिर है न से क्या होगा, बाण, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से ध्वजा, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भगत, म से मगर, य से यज्ञ, इस तरह से है ना, आ गया ना समझ में। अब र से रथ, ल से लट्टू, व से वजन, श से शहनाई, जो आप ऊपर रेखा खींचते हो ना उसे क्या बोलेंगे, शिरोरेखा। ये अच्छे से आनी चाहिए, मेरी थोड़ी गलत हो गई, लेकिन आपकी सही आनी चाहिए बच्चों, तो आपका शब्द अच्छा लगेगा है ना, इसे क्या बोलेंगे, शिरोरेखा। फिर है श, यहाँ पे शिरोरेखा है इस तरह से। फिर है स से सफेरा, ह से हल, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी। इस तरह से आपको क्या करना है, मूलाक्षर पहचान कर उसे पढ़कर लिखने हैं। फिर अ के बाद क्या आएगा स्वर में, आ, अ के बाद आ आएगा, इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। ओके बच्चों, देखिए निम्न मूलाक्षर लिखिए और पढ़िए, इस तरह से आपको मूलाक्षर पढ़ना भी है और लिखना भी है। चलिए आगे आपको दिया है यहाँ पे कौसे, क्या दिया है, क से ज्ञ तक से मूलाक्षर पढ़िए और लिखिए, मूलाक्षर पढ़कर लिखने हैं। ये क्या है आपका होमवर्क है, क्या है बच्चों, होमवर्क है, जो आपको घर पे करना है, अभी हमने किया है।
है ना, उसी तरह से यहाँ पे आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। चलिए आगे देखते हैं। मूलाक्षरों में क्रमश गायब अक्षर लिखिए, यानी कि यहाँ पे जो क्रम अक्षर आते हैं आगे के, उसमें जो गायब हुए हैं वो हमें सही से लिखने हैं। चलिए लिखते हैं, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गधा, घ से घर, च से चम्मच, फिर क्या आएगा यहाँ पे, छ से छतरी, ज से जग, और फिर आएगा झ से झरना, ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढकना, न से बाण, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, यहाँ पे आएगा प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भगत, म से मगर, य से यज्ञ। फिर बाद में आपको यहाँ पे दिया गया है र, र के बाद क्या आएगा, ल, ल से लट्टू, व से वजन, श से शलगम, श से षटकोण, फिर आएगा स से सपेरा, ह से हथेली, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, और ज्ञ से ज्ञानी। इस तरह से आपको लिखना है। देखिए बच्चों, ये आपको करना है। आगे भी आपको यहाँ पे दिया गया है कि मूलाक्षरों में क्रमश गायब अक्षर लिखिए, तो ये आपको अभी मैंने समझा दिया है कि किस तरह से आपको गायब अक्षर लिखना है। ये आपका होमवर्क है जो आपको घर पे करना है ना बच्चों। तो ये हमने कर लिया है, आपको आगे का जो होमवर्क दिया है वो घर पे करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको शब्द दिए हैं। क्या दिए हैं शब्द, पढ़िए और लिखिए। इस शब्दों को आपको पढ़ना है और लिखना भी है। ये क्या है, चलिए पढ़िए, कर, क्या है कर, तो यहाँ पे लिखेंगे कर, न ल नल, न ल नल, द स द स दस, फिर है स च सच, फिर है भ र भर, फिर है च ल चल, फिर है ब स बस, फिर है ल च लच, फिर है च र चार, छ ल छल, य ह, य ह लट लट, फिर है ह र हर, फिर है ह ल फल, फिर है व व ह, यहाँ पे है ह ट हट। इस तरह से आपको क्या करना है, शब्दों का अभ्यास करना है, उसे पढ़ने हैं और लिखने भी हैं। कैसे बोलते जाना है और लिखते जाना है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि हमें क्या करना है। जो हमारे आज पार्ट नंबर 9 में हुआ है, क्या दिया था हमें, मूलाक्षर पहचान कर उनके क्या करना है, हमें वो सुधार कर लिखने हैं और रिक्त स्थान भी भरने हैं। जो क्रमश गायब हुए हैं उसे भी लिखना है, और आज हमने देखा है कि शब्दों को पढ़ना और उसे लिखना। तो जो शब्द यहाँ पे आपको दिए, ये आपकी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें आपको लिखने हैं बच्चों, है ना। समझ में आ गया कि आपको ये हिंदी की नोटबुक में शब्द लिखने हैं और अच्छे से पढ़कर उसे लिखना है, आपको जल्दी से पढ़ना आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं जो आपको क्या करने हैं, आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। आज के पार्ट नंबर 9 में इतना ही बच्चों, आगे के पार्ट नंबर में हम आगे का देखेंगे। जय गायत्री। सो थैंक यू।